नमस्कार। आलो आंधारी पाठ लिखा है बेबी हालदार ने। लेखिका बेबी हालदार पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय देती हैं। उनकी रचना आलो आंधारी में उनके जीवन के संघर्षों का वर्णन है। लेखिका अपने पति से अलग अपने दो छोटे बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। बिना किसी सहारे के अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करना उनकी चिंता का विषय बना हुआ था। वह हमेशा काम की खोज में रहती थी। लेखिका हर किसी को कहती कि उसे कोई काम दिला दे। रोज़ काम की तलाश में निकली हुई लेखिका जब वापस घर आती तो पड़ोस की औरतें आकर के पूछती थी कि काम मिला या नहीं। काम न मिलने पर वे उसे सांत्वना देती थी। लेखिका की पहचान सुनील नाम के एक युवक से थी। एक दिन सुनील ने उसको किसी मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक भला आदमी था। उन्होंने लेखिका को काम पर रख लिया। 800 रुपये महीने पर लेखिका को काम पे रख लिया, घर का साफ सफाई करना और खाना बनाना। 800 रुपये में लेखिका ने उसके घर के सारे काम ले लिए और लेखिका के आने से पहले वाली नौकरानी हटा दी गई। उस नौकरानी ने लेखिका को बहुत कुछ भला बुरा कहा। लेखिका उस घर में रोज़ सवेरे ही आ जाती और दोपहर तक सारा काम ख़त्म करके चली जाती। घर जाकर बच्चों को नहलाती, खाना बनाकर खिलाती और बच्चों की परवरिश के कारण हमेशा चिंता में रहती कि इतने कम पैसे से काम कैसे चलेगा। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण उसने दूसरा मकान ढूंढ लिया। नए घर का किराया तो कम था मगर असुविधाएं बहुत ज़्यादा थी। घर में बाथरूम ना होने के कारण शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। वातावरण नया था, लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। बच्चों के साथ अकेली महिला होने के कारण लोग तरह तरह की बातें बनाया करते थे। लेखिका हर समय चिंतित रहती थी कि बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। वे चाहती थी कि किसी दूसरी जगह काम मिल जाए तो घर का खर्चा चल जाए। वह मकान मालकिन से भी कहती थी कि वह उसके लिए कहीं और जगह काम ढूंढ दे ताकि उसका निर्वाह हो सके। लेखिका को बच्चों की पढ़ाई, घर के किराए और लोगों की बातों की भी चिंता थी। मकान मालिक जो थे वो बहुत ही सज्जन थे और लेखिका का पूरा ध्यान रखते थे। एक दिन उन्होंने पूछा कि वह घर जाकर क्या क्या करती है। लेखिका ने बताया तो उनको आश्चर्य हुआ कि इतने सारे काम वह अकेली कैसे कर लेती है। उन्होंने लेखिका को कहा कि वह उसे तातुश कहकर पुकारे। वे लेखिका को उसके नाम बेबी से बुलाते थे और कहते थे कि वह उनकी बेटी की तरह है। तातुश और उसके परिवार के लोग लेखिका का बहुत ख्याल रखते थे। बेबी भी उनका हर काम लगन से करती थी। लेखिका घर की सफाई के दौरान पुस्तकों की अलमारियों की सफाई करती तो उत्सुकतावश उन किताबों को देखने लगती। वह सोचती कि इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता होगा। उसकी किताबों के प्रति रुचि देखकर तातुश ने उसको एक किताब दी और कहा कि इसे घर जा कर के पढ़ना। तातुश ने उसे लेखकों के बारे में पूछा तो उसने कई बांग्ला लेखकों के बारे में बताया। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी और पेन देकर कहा कि वह समय निकालकर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखे। इतने सारे काम के बीच में लेखन के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल था। तातुश बार बार उत्साह बढ़ा रहे थे। इस प्रकार लेखिका कुछ पृष्ठ डेली लिखने लगी। पढ़ने और लिखने का यह शौक लेखिका की आदत बन गया। उसे इस काम में आनंद मिलने लग गया। लेखिका का बच्चों के साथ अकेले रहना समाज में लोगों को सहन नहीं हो रहा था। अक्सर लोग उससे छेड़खानी की कोशिश करने लगे और लोगों की बेमतलब बातों से वह परेशान हो जाती। किराए के नए मकान में भी ढेर सारी असुविधाएं थी। बाथरूम ना होने के कारण कई बार परेशानी हो जाती थी। मकान मालकिन उसे बेवजह टोकती रहती थी। मकान मालिक का लड़का उससे शरारत करने की कोशिश में लगा रहता। इन सब बातों के कारण लेखिका फिर नए घर की तलाश के बारे में सोचने लगी। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो देखा कि मकान टूटा हुआ है और सारा सामान बाहर खुले में पड़ा है।
लेखिका रोने लगी, बच्चे भी रोने लगे। सोचने लगी कि अब क्या होगा, दूसरा मकान कैसे ढूंढेगी। दूसरे घरों के लोग अपना सामान इकट्ठा करके नया घर तलाश करने चले गए थे, मगर वह बच्चों के साथ सारी रात खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख इस बात का था कि उसके साथ कोई मर्द नहीं है। उससे भी बड़ा दुख था कि उसके दो दो भाई नज़दीक ही रहते थे, मगर कोई भी उसका हाल पूछने नहीं आया। तातुश को जब पता चला कि बेबी बेघर हो गई है, तो उन्होंने उसे रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दे दिया। इस प्रकार तातुश के घर में लेखिका का जीवन चलने लगा। उसे और उसके दोनों बच्चों को ठीक से खाना मिलने लग गया। तातुश उनका बहुत ख्याल रखते थे। जब उनमें से कोई बीमार हो जाता तो वह उनकी दवा भी दिलाते थे। लेखिका उनका सदव्यवहार देखकर दंग रह जाती और सोचती कि उसने कोई अच्छे कर्म किए थे जो तातुश जैसा आदमी मिला। लेखिका का बड़ा लड़का कहीं चला गया था। उसे हर समय यह भी चिंता रहती थी कि वह कहाँ होगा। उसका मन उदास हो जाता। यह उदासी तातुश को सहन नहीं हुई और उन्होंने लड़के की खोज करनी शुरू कर दी। तातुश के कारण वह बड़े लड़के से मिल पाई। तातुश ने उसे वहाँ से निकालकर दूसरी अच्छी जगह काम दिलवा दिया था। लेखिका सोचती थी कि तातुश पिछले जन्म में उसके बाबा रहे होंगे, वे उसका इतना ध्यान रखते थे। तातुश लगातार लेखिका का हौसला बढ़ाते रहते थे कि उसे लिखना चाहिए। उन्होंने अपने कई मित्रों को बेबी के बारे में बता दिया था। बेबी के लेखन के कुछ अंश उन्होंने उसके पास भेज दिए थे। उन लोगों को लेखिका का लिखना पसंद आ गया और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाने लगे और निरंतर उसे पत्र लिखते। तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो मित्रों के वहाँ आकर रहने से लेखिका का काम कुछ बढ़ गया था, मगर उन लोगों का व्यवहार इतना अच्छा था कि वह खुशी खुशी सारा काम कर देती थी। नए आए लोग भी उससे अपनों जैसा व्यवहार करते थे, बेबी के बच्चों का ख्याल रखते, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के विषय में अच्छी अच्छी बातें बताते। तातुश ने सोचा कि सारा दिन काम करते करते बेबी थक जाती होगी। उन्होंने उससे कहा कि वह रोज़ाना शाम के समय पार्क में अपने बच्चों के साथ घूमने चली जाया करे। इससे बच्चों का मनोरंजन होगा और उसका दिल भी बहल जाएगा। इस प्रकार वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से मुलाकात होती। एक बंगाली लड़की से उसकी पहचान भी हो गई, मगर कुछ दिन बाद वह लड़की चली गई। उस लड़की के चले जाने और अपरिचित लोगों के दुर्व्यवहार के कारण लेखिका ने जल्दी ही पार्क में जाना बंद कर दिया। लेखिका को किताब पढ़ने, अखबार पढ़ने और लिखने के कार्य में आनंद आने लगा और वह निरंतर लिखना शुरू करती रही। तातुश के जोर देने पर उत्साह के साथ अपने जीवन की सारी घटनाओं को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। घर की व्यस्त दिनचर्या के बीच लेखन उसने अपना जारी रखा। कोलकाता और दिल्ली के तातुश के दोस्त भी लगातार लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। कोलकाता के मित्र ने लेखिका को आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर बताया कि वह कितने कामों में अपना समय लिखने के लिए निकालती थी। इससे लेखिका बेबी का हौसला बढ़ा। लेखिका उन्हें जेठू कहकर संबोधित करने लगी थी। लेखिका की एक अध्यापिका शमिला भी लेखिका का उत्साह बढ़ाती थी। एक दिन अचानक लेखिका के बाबा उससे मिलने आ जाते हैं। उनके आने से उसे पता चला कि उसकी माँ का निधन हो गया है। उसके भाइयों को पता था, मगर उन्होंने बताया नहीं। लेखिका काफ़ी देर तक अपनी माँ को याद करके रोती रही। बाबा ने उसके बच्चों से भेंट की और समझाया कि वे अपनी माँ का ख्याल रखें। लेखिका का कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से पत्र व्यवहार शुरू हो चुका था। पत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे का हाल पूछते। शमिला दी के भी पत्र आ जाते थे। वह चकित रह जाती यह पढ़कर कि लोगों को उसका लेखन इतना पसंद आ रहा है। शर्मिला दी उसे तरह तरह के उदाहरण देकर समझाती रहती। कभी कभी वह पूछती कि लेखिका को सजना संवरना कैसा लगता है। वह कहती कि दोनों कभी मिलेंगी तो एक दूसरे के लिए सजेंगी, खूब बातें करेंगी, खूब नाचेंगी। बेबी ऐसी बातें पढ़कर आनंद से भर जाती।
वह सोचती कि अगर तातुस उससे ना मिलते तो यह जीवन कहाँ से मिलता। लेखिका के जीवन में इतनी शांति कभी नहीं आई थी। तातुस के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया था। उसका बड़ा लड़का कहीं काम पर लग गया था, छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे। वह स्वयं तातुस की छत्र छाया में लेखिका बन गई थी। पहले लेखिका सोचती थी कि अपनों से बिछड़कर कैसे जिया जा सकता है, मगर अब उसने जीना सीख लिया था। तातुस के साथ वह इतनी घुल मिल गई थी कि उन्हें हर समय परेशान करती रहती थी कि इस शब्द का अर्थ बताओ, उस शब्द का अर्थ बताओ। लेखिका के आने से तातुस के जीवन में भी बाहर आ गई थी। उन्हें भी बेबी और उसके बच्चे अच्छे लगते थे। कभी कभी तातुस उसकी जिज्ञासा से परेशान हो जाते और कहते, जाओ बच्चों को तैयार करो, काम धाम करो। आखिर वह दिन भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिल गई। लेखिका को पत्रिका मिली तो उसकी रचना छपी थी, शीर्षक था आलो आंधारी बेबी हालदार। लेखिका इतनी प्रसन्न थी कि सारा काम धाम छोड़कर सबको अपनी रचना दिखाती हुई घूम रही थी। तातुस के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर आया। उसने तातुस के पैर छुए, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। आपको यह कहानी सुनकर ये दिमाग में प्रश्न आता होगा कि समाज में पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अधूरा है। लेखिका को पुरुष के सहारे के बिना अपने जीवन यापन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। काम ढूंढना, मकान की तलाश करना, लोगों की गंदी नज़रों का सामना करना, उसके सामने ऐसे संघर्ष थे जो स्त्री के जीवन में समस्याएं आई। यह पाठ उसकी सच्चाई को उजागर करता है। लेखिका कहती हैं, मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देखकर आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिन से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? किसी किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर कहाँ हुई। वह कहती, कहाँ जाती है रोज़ रोज़, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार। जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग तरह तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते। वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। बड़े महानगरों में तो बड़ी उम्र की अविवाहित युवतियाँ अकेली भी रहती हैं। अकेली स्त्री के लोग में बारे में बात तो करते हैं लेकिन उद्यमता नहीं करते। इस बदलाव का यह कारण है कि स्त्रियों को प्रत्येक क्षेत्र में उचित स्थान मिला है। राजनीति हो, खेल का मैदान हो, अपनी स्थिति उन्होंने मजबूत बना ली है। इस सफ़र में बेबी ने जान लिया था कि रिश्ते दिलों से बनते हैं। तातुस उसे दिल से चाहते थे, उन्होंने उसे बेटी बनाकर रखा था, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इस घर में से पहले उसने अनेक मकान किराए पर लिए थे, मगर उसे हर जगह लोगों की गंदी नज़रों का सामना करना पड़ा। हर आदमी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। औरतों ने उसका दर्द कम ही समझा। हर समय उसके पति के बारे में पूछताछ होती रहती थी। उसके बाप और भाइयों ने भी बुरे वक्त में मुंह फेर लिया था। इस पाठ में हमें यह पता चलता है कि घरेलू नौकरों का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ है। उन्हें अपनी तरह जीवन जीने का कोई हक नहीं है। मालिक ने जो कहा उन्हें वही करना पड़ता है। सारा दिन काम करके भी उन्हें झिड़कियाँ ही मिलती हैं। कई बार तो वे भूखे प्यासे ही अपना काम करते रहते हैं। किसी किसी घर में तो घरेलू नौकर के साथ अमानवीय व्यवहार भी होता है। छोटी गलतियों पर उन्हें पीटा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें दवा भी नहीं दिलाई जाती। आलो आंधारी में बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक समस्याओं को भी उठाया गया है, जैसे समाज में स्त्री की दशा, लोगों का अभाव में जीना, सार्वजनिक शौचालय का अभाव, परिवार के लोगों का अपनों से मोहभंग होना। दो समस्याएँ जो इसमें ली गई हैं, सबसे पहले समाज में स्त्री की दशा। एक अकेली रह रही स्त्री को हमेशा समाज के ताने सुनने पड़ते हैं।
क्या उसे अपनी इच्छा से जीने का हक नहीं है? लोग उसे गंदी नज़रों से क्यों देखते हैं? अकेली मजबूर स्त्री की मदद करने की बजाय उसे परेशान क्यों किया जाता है? दूसरी समस्या जो इसमें दिखाई गई है वह है सार्वजनिक शौचालयों का अभाव। कई क्षेत्रों में घरों में शौचालय और बाथरूम नहीं होते। ऐसे में पुरुषों का काम तो चल जाता है मगर स्त्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को समाज ही दूर कर सकता है। आपसी भेदभाव भूलकर हम स्त्री जाति का सम्मान करें और ऐसायों की सहायता करें, तभी इन समस्याओं का निधन समाधान हो सकता है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो, जेठू यह कहते हैं लेखिका को। इस कथन में यह कहते हैं कि जीवन की जटिलताएं उसके आड़े नहीं आ सकती। आशापूर्णा देवी भी लेखिका थी, उन्होंने भी ऊंचाइयों को छुआ। जिस किसी में लेखन प्रतिभा है यदि उसे थोड़ा सा भी उत्साहित कर दें तो वह अच्छा लिख सकता है। इस प्रकार से जेठू ने लेखिका की लेखन प्रतिभा को पहचाना और वे चाहते थे कि लेखिका बेबी लिखना जारी रखें। वे पत्रों के माध्यम से उसका उत्साह बढ़ाते थे। प्रोत्साहन मिलने पर मनुष्य वह काम भी कर सकता है जिसे सोचने से भी उसे डर लगता है। बेबी की जिंदगी में तातुष का परिवार ना आया होता तो निश्चय ही उसका जीवन नारकीय होता। उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता, उसके बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं होता। तातुष के घर आने पर उसके बच्चे विद्यालय में पढ़ने लगे थे। अगर तातुष ना मिलते तो बच्चे कहीं बाल मजदूर होते। बेबी की जिंदगी तातुष के पास आकर बदल गई। हो सकता था कि उसे भीख मांगनी पड़ती या उसके बच्चे जूठन के लिए गिड़गिड़ा रहे होते। बेबी ने तातुष के प्रयासों से अपने आप को सम्मानित लेखिका महसूस किया। मगर तातुष ना होते तो हो सकता है उसे किसी घृणित घटना का सामना करना पड़ता और वह अपनी ही नज़रों से गिर जाती। लेखिका को जेठू, आनंद बाबू और शर्मिला दी का प्यार भी ना मिलता, उसके बाबा उससे कभी भी मिलने नहीं आते। लेखिका के शब्दों में, उस मकान का किराया तो कम था मगर कई तरह की परेशानियां थी। उसमें बाथरूम एक ही था, शौचालय की सुविधा तो थी ही नहीं, इसलिए बाहर शौच के लिए जाना पड़ता था, खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। और घर गंदा भी बहुत था, उसमें गंदगी भी बहुत थी, वातावरण भी अच्छा नहीं था। दिन भर लोग उसके बारे में बातें करते रहते थे। आवारा किस्म के लोग हमेशा उससे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। औरतें भी तरह तरह की बातें किया करती थी उसके। जो वो बाहर जब शौच के लिए जाते थे तो उन्हें सुअर बहुत परेशान करते थे। मकान मालिक की स्त्री जब भी तब भी मौका मिलता तो उसे टोका टोकी करके परेशान किया करती थी और ये पूछती थी कि जब वह काम पर जाती है तो कहाँ जाती है। मकान मालिक का बड़ा लड़का भी उसे तंग करता था। लेखिका को रात में पढ़ने लिखने का समय मिलता, कोई ना कोई उसे टोकता ही रहता कि वह रात भर क्या पढ़ती है। लेखिका बताती है कि बाथरूम खाली ना होने के कारण तो कई बार उसे ऐसे ही मन मार कर चुप रहना पड़ता था। बच्चों को भी परेशानी होती थी। तातुष जो थे वो बेबी में अपनी बेटी की झलक पाते थे। आरंभ से ही उन्होंने लेखिका पर अपना स्नेह लुटाना शुरू कर दिया था। लेखिका को कई बार यह अनुभव हुआ कि तातुष उसको देखकर खुश हो जाते हैं। तातुष उसको बार बार पूछते कि कोई कष्ट तो नहीं है, बच्चों को तो कोई परेशानी नहीं है। उनकी मदद लेकर के लेखिका खुश होती थी और उन्होंने ही लेखिका को अपने घर पर ठहराया और बच्चों को स्कूल में भेजा। तातुष का लेखिका के प्रति बेटी जैसा प्यार था। वह सामने बिठाकर उसे नाश्ता करवाते और उसे बीमार होने पर या बच्चों के बीमार होने पर डॉक्टर के पास भेज देते या स्वयं ही दवाई ला कर के देते। इस प्रकार से लेखिका को लेखन के लिए लिखने में तातुष की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बेबी की पढ़ाई लिखाई की रुचि को पहचाना और उसके लेख जो थे कोलकाता और दिल्ली के लोगों तक भेजे। पत्र लिख करके वहाँ से लोग उसे उत्साहित करते थे। यहाँ जैसा कि आपने शुरू से ही देखा कि तातुष स्वयं एक अध्यापक रहे हैं,
अतः किसी अनपढ़ में योग्यता पैदा करना उनके स्वभाव में है। किसी अनपढ़ को पढ़ाना लिखाना वे पुण्य का काम मानते हैं, इसलिए वे उसे स्वाभाविक रूप से पढ़ाना चाहते हैं। वे गरीब और दलितों के समर्थक हैं। वे मानते हैं कि सच्चा साहित्य वह है जो सच्चाई से लिखा जाए। वे मेहनतकश लोगों की आंतरिक पीड़ा को पाठकों के सामने रखना चाहते हैं, इसलिए लेखिका को एक डायरी और एक पेन देते हैं। उन्हें विश्वास है कि लेखिका जो भी लिखेगी वह अपने मन की सच्ची दुविधा लिखेगी और लोगों को वह जरूर अच्छा लगेगा। उसकी परेशानी से लोग जागृत होंगे और ऐसी महिलाओं की समस्या पर ध्यान देंगे और इन नौकरों पर होने वाले अत्याचार इससे कम हो जाएंगे। शायद इसी आस्था के कारण तातुस ने उस अनपढ़ लेखिका को इतनी प्रेरणा दी। परंतु सचमुच यह अनहोनी की बात है, कोई महान व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। सचमुच में तातुस महान है। लेखिका को अपनी माता की मृत्यु का समाचार लगभग 6-7 महीने बाद मिला। लेखिका के दादा भाई को उसकी माँ की मृत्यु का पता था और उसने अपनी बहन को यह समाचार नहीं दिया, परंतु उसने उपेक्षावश या किसी और कारण के उसे नहीं बताया। कारण जो भी रहा हो, यह बात छिपाना अच्छा नहीं कहा जा सकता। यह सुनकर सभी को आघात लगता है कि भाई इतना निर्मम हो सकता है। संसार में सांसारिक संबंध बहुत ही अजीब होते हैं। कभी कभी वे भाई जो प्राणों के समान प्रिय होते हैं बहुत कठोर हो जाते हैं। यहाँ भाई की उपेक्षा लेखिका के सामने आती है। लेखिका को पता था कि लेखिका की माँ बचने वाली नहीं है। वह अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच डोल रही हैं। उसके मन में विचार आया कि जब वह बचने वाली नहीं है तो जाकर क्या करे। यह विचार बहुत ही निर्मम और उपेक्षापूर्ण है। इस तरह का व्यवहार जो है अपने सगे संबंधियों के साथ नहीं होना चाहिए। तातुस यहाँ पर सच्चे प्रेरक और हितेशी थे। वे साहित्य की आत्मा को जानते थे। वे जानते थे कि सच्चा साहित्य भाषा और व्याकरण से नहीं बनता, बल्कि सच्ची अभिव्यक्ति से बनता है। इसलिए उन्होंने लेखिका को लेखन जारी रखने के लिए कहा। एक दिन वे बहुत सारे पाठकों की चहेती लेखिका बन गई। अगर तातुस भूलों और कमियों की चिंता करते तो वह लेखिका कभी भी नहीं बन पाती। तातुस ने ही उन्हें पार्क में जाने का सुझाव दिया, जहां पर उसे बंगाली लड़की मिलती है और वे दोनों घुल मिलकर बातें करते थे। इससे लेखिका का मन बहल जाता था। लेखिका जब तातुस के घर में पहुँचती हैं तो वहाँ पहले से एक महिला काम कर रही है। तातुस ने उस महिला को काम से हटाकर लेखिका को काम पर रख लिया। उस महिला ने लेखिका के प्रति रोष प्रकट करते हुए अनेक अनाप शनाप गालियाँ उसे दी। लेखिका ने कहा कि उसे पता नहीं था कि यहाँ कोई पहले काम कर रहा है, मगर वह बकबक करके चलती गई। तातुस ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। लेखिका ने कहा वह उन्हें पढ़ाना तो चाहती है, मगर अवसर नहीं है। तातुस लेखिका की आर्थिक समस्या समझ गए। उन्होंने कहा वह अपने बच्चों को लेती आए, पास में स्कूल है, दाखिला करवा देंगे। वे हर रोज सुबह साथ आएंगे और दोपहर को साथ ही चले जाएंगे। लेखिका का किराए का मकान था। लेखिका का छोटा लड़का बहुत कम बोलता था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। वह कभी लेखिका के से काम के लिए नहीं कहता। लेखिका रसोई घर में काम कर रही होती तो वह वहाँ आकर चुपचाप अपनी चाय खुद ही बना लेता। किसी से अधिक बातचीत नहीं करता था। लेखिका को कई बार उसके कमरे में जाकर पूछना पड़ता था कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, और वह जवाब में सिर्फ हूँ हाँ करता था। तातुस सारा दिन अकेले रहते थे। उनके साथ उनका बेटा रहता था, मगर वह भी एकांतवासी था और किसी से बातचीत नहीं करता था। वे लेखिका को बेटी की तरह मानते और उनसे बात करके उन्हें खुशी मिलती। इससे उनकी उदासी दूर हो जाती। उन्हें लेखिका के साथ हंस बोलकर आनंद का अनुभव हो जाता था और वे लेखिका को देखकर खुश हो जाते थे।
लेखिका का जो पहले वाला मकान था उसका मकान मालिक का लड़का लेखिका के घर आ गया और दरवाजे में ही बैठ गया। उसने बातें करना शुरू कर दी। लेखिका को लगा कि इसकी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। उसने लेखिका के साथ बिना अर्थ की भद्दी बातें शुरू कर दी। वह इस तरह रास्ते में बैठा था कि बगल से निकलना भी मुश्किल था। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे कह रहा हो कि उसके कहने पर चलने में ही भलाई है। लेखिका ने जल्दी से जल्दी मकान बदलने का मन बना लिया। एक दिन जब लेखिका काम पर गई हुई थी तो उसके मोहल्ले में बुलडोजर द्वारा सारे मकान तोड़ डाले गए, सबके सामान बाहर फेंक दिए गए। लेखिका जब काम से वापस आई तो रोते हुए बच्चों ने सारी बात बताई। यह सब देखकर सुनकर लेखिका भी रोने लगी। शाम होने वाली थी और इस समय वह कहाँ जाए। इस प्रकार से वह पूरी रात बच्चों को लेकर के सामान के साथ रोड पर रात को बैठी रही और उसने अपनी सारी रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। लेखिका जब बहुत बड़े दिनों बाद अपने बड़े लड़के से मिलती है तो लड़का उसको प्रणाम करता है। अब उसने अपने भाई बहन को भी प्यार किया। जब लेखिका वहाँ से चलने लगी तो वह उदास हो गया। उसकी उदासी बता रही थी कि वह लेखिका के साथ रहने चाहता है। लेखिका को अर्जुन दा के बंधु अच्छे क्यों लगते थे, प्रश्न ये आता है पाठ में। अर्जुन दा के दो बंधु सुखदीप और रमन भी वहीं रहने के लिए आ गए थे। उन दोनों का व्यवहार लेखिका के प्रति अच्छा था। बच्चों से भी घुल मिल कर रहते थे। उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो झट से लेखिका को कहते और वे लेखिका और बच्चों को अपना समझते थे। रमनदा काफ़ी हंसमुख इंसान था। वह तरह तरह की बातें करता और लेखिका को पाक कला की जानकारी देता। वह लेखिका को बच्चों के बारे में समझाता था कि वे अभी छोटे हैं, शरारतें करते हैं, उसे उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी। देखना हुआ कि कहीं वे सारा दिन खेलते ना रहते हों। रमनदा का लेखिका के प्रति अपनेपन का व्यवहार ही लेखिका को प्रसन्न कर देता था। यही कारण था कि लेखिका को रमनदा अच्छा लगता था। घर के बाहर लेखिका किसी से भी अधिक बातें नहीं करती थी। उसने औरतों में बैठना भी नहीं सीखा था। कभी कभार कहीं कहीं खड़ी हो जाती तो बातें शुरू हो जाती। कैसे रहती हो, अकेली कैसे रहती हो, पति क्या करता है, पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता। अपरिचित लोग भी इस प्रकार की बातें करने की कोशिश करते थे मगर लेखिका उन सब का आशय समझती थी, इसलिए वह सभी से दूरी बना करके रखती थी। पार्क में उसकी कई औरतों से मुलाकात होती। सभी के सवाल यही होते कि तुम बंगाली हो, कहाँ रहती हो, अकेली रहती हो, तुम्हारा पति कहाँ है। कई अपरिचित लड़के भी उससे बात करने की कोशिश में लगे रहते। इन सब बातों से वह तंग आ गई। इस बीच उसका एक बंगाली लड़की सुनीति के साथ मेलजोल हुआ तो पार्क में उसका कुछ दिल लग जाता, लेकिन जब सुनीति चली गई तो उसने पार्क में जाना छोड़ दिया। कोलकाता के बंधु ने लेखिका को पत्र लिखा कि उसका लिखा पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लेखन लेखिका ने कहाँ से सीखा है। उसने बताया कि लेखिका बहुत अच्छा लिखती है। बंधु ने बताया कि तुम्हें बंगला में पत्र लिखने के लिए बंगला लिपि सीखने की इच्छा होती है। यहाँ जितने भी लोगों ने तुम्हारा लिखा पढ़ा है वे सभी इसे चमत्कारी लेखन मानते हैं। बंधु ने लेखिका को कहा कि वह लिखना ना छोड़े। भगवान ने उसे पृथ्वी पर लिखने के लिए भेजा है और यह पत्र पढ़कर लेखिका हैरान हो जाती हैं। लेखिका रमनदा के कमरे में खाना लगा कर रख देती हैं। कहीं प्लेट में गंदगी ना फैल जाए इस कारण उसने प्लेट को उल्टा करके रख दिया था। रमनदा बाहर से आए तो उन्हें जोर की भूख लगी थी। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि प्लेट उल्टी है या सीधी है और उन्होंने उल्टी प्लेट में ही सब्जी डाल दी। तब उनका ध्यान गया जब सब्जी की तरी नीचे गिरने लगी। यह देखकर रमनदा अपनी ही मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। शमिला दीदी लेखिका को पत्र लिखती हैं। वह लेखिका की उम्र की हैं। उनके पत्रों से पता चलता है कि वह लेखिका का बहुत ध्यान रखती हैं और उनसे बहुत स्नेह रखती हैं। लेखिका के बाबा कभी शायद ही उससे मिलने आए थे।
अब जब उन्हें कहीं से पता चला कि वह लेखने का कार्य करने लगी है, लिखने का काम करने मिलने लग गया है उसे, तो वह उससे मिलने आते हैं और उनके बड़े लड़के से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम लोग खूब उन्नति करो। बाबा ने लेखिका से कहा कि अब उसके सुख के दिन आने वाले हैं और उनका बेटा अब बड़ा हो रहा है, वही एक दिन उसे सुख देगा। बाबा ने कहा कि अभी थोड़ा कष्ट है, उठा ले, बाद में सुख ही सुख है। एक दिन अचानक लेखिका को एक पैकेट मिलता है और उस पैकेट में लेखिका के लिए एक पत्रिका थी। लेखिका पत्रिका के पृष्ठ उलटने लगी। एक जगह उसने अपना नाम लिखा देखा, आलो आंधारी बेबी हालदार। उसका मन खुशी से नाचने लगा। उसे जेठू की याद आई कि आशापूर्णा देवी भी व्यस्त समय में लेखन लिखती थी। वह भूल गई कि चाय के लिए पानी आग पर चढ़ा रखा है। वह चाय बनाकर भागी भागी बच्चों के पास गई, कहा कि देखो देखो एक चीज। उसने सबको अपना नाम दिखाया और इस प्रकार से बहुत उसे खुशी महसूस हो रही थी। लेखिका को पता नहीं था कि उसके कारण उसकी कामवाली का काम छिन जाएगा, और जब उसे पता चलता है कि कामवाली का काम छिन गया तो उसने कामवाली को कहा कि वे साहब को जाकर कह दे कि नई कामवाली काम के लिए तैयार नहीं है। यानी कि वह मानवीय भावनाओं को समझती है, किसी और को बेरोजगार देखकर खुश नहीं होती, बल्कि वह अन्य कामवालियों के साथ सहानुभूति रखती है और किसी का काम छीनने की कोशिश नहीं करती है। लेखिका सुखदीप और रमन को अधिक पसंद करती थी क्योंकि वे अधिकार भाव से उसे अपना मानकर मनचाही चीज मांग लेते थे। अर्जुन दा मुँह से कुछ नहीं मांगते थे, वे बस पूछे जाने का इंतजार करते थे। लेखिका को उनका यह परायापन और संकोच अच्छा नहीं लगता था। स्वभाव की बात है, अर्जुन दा अपने मुँह से कुछ नहीं मांगते तो यह उनका स्वभाव है। वे लेखिका को परेशान करना नहीं चाहते, उनकी यही भावना प्रशंसनीय है। अगर वे मांग लेते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार से एक काम वाली नौकरानी का इस पाठ में किस प्रकार से वो एक लेखिका बनाई जाती हैं श्रीमान तातुश के द्वारा, ये पूरे पाठ में बताया गया है।